नगर निगम फिरोजाबाद के सभी कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली कर्मचारी पार्षदों द्वारा हाजिरी लगाने का विरोध करते हुए कर्मचारियों की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। हम आपको बता दें, नगर निगम ने तय किया कि कर्मचारियों की हाजिरी पार्षद लगाएंगे। इसका निगम के कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ कर्मचारी अपने साथियों का संख्या बल बढ़ाना भी चाहते हैं। इसके चलते कर्मचारियों ने निगम कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की और काम बंद हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों के नेताओं ने इसको लेकर के क्या बताया, हम सुनवाते हैं। हेक्स न्यूज के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमारे पार्षदगण और सफाई कर्मचारियों के बीच की बात थी, वो सॉल्व हो चुकी है। अभी नगर आयुक्त जी ने वो मामला संभाल लिया और मेरे तक कोई बात नहीं है। आखिर किस चीज के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे? अभी एक मैंने निर्देश निकाला था, कल ही मेरी बात हुई थी नगर आयुक्त और उपायुक्त जी से, कि हमारे जो पार्षदगण है उनको उनके लिए उनके ही हित में मैंने एक काम किया था कि जो सुपरवाइजर अटेंडेंस लेते हैं अपने सभी कर्मचारियों की, अगर उस पर एक काउंटर साइन हमारे पार्षद का हो जाए तो वो भी संतुष्ट हो जाते हैं और एक पारदर्शिता बनी रहती है काम के लिए, काम के प्रति। तो मेरा जो निर्देश है ये जनहित में है कि हमारी जनता, हमारे पार्षद, हमारे सुपरवाइजर और कर्मचारी के बीच में एक पारदर्शिता बनी रहे और काम सुचारू रूप से चलता रहे। नाम आपका? तनवीर अहमद, उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ का नगर महा। क्या मामला है पूरा? मामला ये था कि कल कुछ पार्षदगण इकट्ठे होकर मेयर साहब के सामने गए और उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में जो हमारे सफाई कर्मचारी नगर निगम के, वो सफाई नहीं कर रहे हैं, ये सरासर गलत कह रहे हैं वो। और इस मसले पर मेयर साहबा ने एक तरफ निर्णय लेते हुए उनसे ये कह दिया कि जो भी क्षेत्र में सुपरवाइजर, सफाई कर्मचारी या सैनिटरी इंस्पेक्टर कोई भी जाएगा, उसकी हाजिरी का सत्यापन माननीय पार्षद द्वारा किया जाएगा। जो चीज़ हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, ऐसा कहीं भी उत्तर प्रदेश में किसी भी निकाय में, नगर निगम में, नगर पंचायत में कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा जियो नहीं है। यदि ऐसा जियो है तो हमारे कर्मचारी सारे तैयार हैं। अगर ऐसा कोई जियो मेयर साहब है उसे यहाँ पे सार्वजनिक कर दे तो हमारे कर्मचारी सारे तैयार है हाजिरी सत्यापित कराने के। नहीं, मेयर द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग सफाई कर्मचारी वहाँ पहुँचते नहीं है, तो इसके चलते सारी व्यवस्था की जा रही है। नहीं, ये चीज सारी कल हमने मेयर साहिबा को बताई थी, उनके संज्ञान में लेकर आए थे। कुछ पार्षदों ने उनसे शिकायत की थी कि हमारे यहाँ कर्मचारी सफाई नहीं कर रहे, लेकिन हमने उनको ये बताया था कि हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे भी है जो अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे चले जाते हैं और वहाँ झाड़ू लगाते हैं। भाई, आप लेबर से 8 घंटे काम लेंगे लेकिन वो 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो जल्दी चले जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं देख रही, उनको ये भी देखना चाहिए कि वो सुबह कर्मचारी 4 बजे भी आ रहा है, 5 बजे भी आ रहा है। पार्षद जी, फिरोजाबाद मेयर द्वारा आज एक निर्णय लिया गया है कि जो भी सफाई कर्मचारी है, शहर की सफाई की अव्यवस्था को देखते हुए कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं जिन मोहल्लों में जाएंगे वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद से वो अपनी अटेंडेंस वेरिफिकेशन कराएंगे। ये कितना कहाँ तक उचित है, कैसे आपका नजरिया कैसा, क्या कह रहा है भाई? ऐसा है कि जो बात आ रही है पार्षद जो वेरीफाई करेंगे, मेरी नज़र में ये ठीक है। उसका कारण ये है कि बहुत से कर्मचारी अपने कागज़ों पर साइन करके जा रहे हैं, उस चीज़ की वेरिफिकेशन क्लियर होती रहेगी। और इसके अलावा सारी चीज़ें पार्षद के नोटिस में आती रहेंगी, क्या कहाँ क्या क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये, हम सफाई कर्मचारी को परेशान नहीं करना चाहते, ना किसी को परेशान करना। हम तो ये चाहते हैं हमारा कार्य सफाई से साफ सुथरे तरीके से होता रहे, हमें किसी चीज़ से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पार्षद जब वेरीफाई करेगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा कौन कर्मचारी कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इसमें कुछ सफाई कर्मचारी संघ है कल से हड़ताल का ऐलान कर रहा है और इस चीज़ को वो नहीं चाह रहा है कि इस तरीके का कोई भी मामला रखे या मेयर द्वारा जो चलाया जा रहा है निर्धारित गलत है और हमें इसमें कोई भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे। नहीं, वो उनका और मेयर के बीच का कोऑर्डिनेशन है, कैसे क्या होगा। लेकिन जो सत्यता जो है, जो मेयर साहब का, मेयर साहिबा जो कह रही हैं, उससे हम बहुत सहमत हैं।